हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूनिक यूनिवर्सिटी। आज का टॉपिक है हमारा बहुत ही शानदार, जो कि आपको इसके पहले बिल्कुल भी कुछ नहीं पता होगा। आइए देखते हैं। आज का टॉपिक है ब्लड डायमंड, खूनी हीरा। आइए इसके बारे में जानते हैं। हीरा कई रंगों का पाया जाता है, ये तो आपको पता ही है, और एक कार्बन का अपर रूप होता है। हीरा एक क्रिस्टलीय पदार्थ, लाल रंग के हीरे को ब्लड डायमंड कहते हैं। इसका ब्लड डायमंड नाम इसको प्राप्त करने के लिए होने वाले खून खराबे के कारण पड़ा, और इसी बवाल के चलते इसके अन्य नाम भी पड़े, जैसे कॉन्फ्लिक्ट डायमंड या वार डायमंड भी कहा जाता है। और इसको कॉन्फ्लिक्ट डायमंड कहने का एक कारण ये भी है, 1989 से 2001 तक इसके उत्पादक सियेरा लियोन और लाइबेरिया गृह युद्ध के शिकार थे। ऐसी स्थिति में लाइबेरियन राष्ट्रपति ब्लड डायमंड के बदले हथियार खरीदने शुरू कर दिए, जिसके कारण इनको काफ़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। यह अफ्रीका के लिए सियेरा लियोन और लाइबेरिया में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। हीरे की तस्करी के लिए यहाँ के मजदूरों से दिन रात कम दामों पर काम कराया जाने लगा था, जिसके कारण मजदूरों ने इसका खूब विरोध किया। इसके बाद लीबिया में डायमंड खनन उद्योग की स्थापना हुई। ग्लोबल विटनेस नाम की एक संस्था अफ्रीका में डायमंड और दंगों के बीच के संबंधों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। हाल ही में एक सुपर मॉडल नाव भी कैंपबेल ब्लड डायमंड के कारण चर्चा में आई। ब्लड डायमंड नाम से आई 2006 में एक इंग्लिश फिल्म में भी इसका जिक्र किया गया। तो दोस्तों, मज़ा आया कि नहीं? ब्लड डायमंड बहुत ही खूबसूरत डायमंड होता है, जो कि लीबिया में ही काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों, मज़ा आया नहीं आया? चलो कोई बात नहीं, अगली बार आएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, द यूनिक यूनिवर्सिटी। जय हिंद।